हे बच्चा पार्टी, कैसे हो बेटा आप सब लोग। इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और सारे रिपीटेड एमसीक्यूज में आप लोगों को करवाऊंगी। इसके बाहर से एक भी एमसीक्यू आपका एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो कौन कौन से हैं फटाफट से पढ़ते हैं, और आपको इन सारे एमसीक्यूज को अच्छे से रट लेना है। इनमें से कोई भी आपको छोड़ना नहीं है, सारे के सारे लर्न करने हैं, ठीक है। इन इस वीडियो से आपके 10 नंबर जो हैं वो पक्के हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाले के उदास होने का क्या कारण था। कैप्टन की मृत्यु, कैप्टन की मृत्यु की वजह से वो उदास हो गया था ना। हालदार साहब किसकी देशभक्ति के सामने नतमस्तक थे। कैप्टन, उसके बाद में नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है। लेखक आपको मोस्टली सबके याद होने चाहिए, ट्रिक बना के थोड़ा सा याद कर लीजिए। जैसे नेताजी का चश्मा जो है पाठ के लेखक कौन है, अब नेताजी जो है वो अपना चश्मा कैसे पहनते हैं, वो अपना चश्मा स्वयं पहनते हैं। तो नेताजी अपना चश्मा कैसे पहनते हैं, स्वयं पहनते हैं, तो स्वयं प्रकाश जो उनके लेखक हो गए, ठीक है। मैं अपने जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन वाले उनको ट्रिक से ही याद करवाती हूँ ऐसी चीज़ें, ताकि उनको जल्दी याद हों और वो भूले भी ना। तो आप लोग भी अब ये ट्रिक कभी नहीं भूलोगे अगर आपने सुन लिया तो, ठीक है ना। नेताजी की मूर्ति वाले कस्बे से हालदार साहब कब गुजरते थे, हर 15वें दिन गुजरते थे, ठीक है। नेताजी की प्रतिमा टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कितने फुट ऊँची थी, 2 फुट ऊँची। देखिए सारे क्वेश्चंस जो इधर आप देखेंगे ना, सारे क्वेश्चंस ये एग्जाम में रिपीटेड हैं, और यहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे एमसीक्यू, इसके बाहर एमसीक्यू आपका नहीं आएगा, ठीक। तो इसको अच्छे से रट लीजिए जो जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ। पीडीएफ इसकी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है ना। हालदार साहब ने नेताजी की प्रतिमा के चश्मे के बदलते रहने के बारे में किससे पूछा, पान वाले से। नेताजी की मूर्ति के नीचे लिखा हुआ मूर्तिकार का नाम क्या था, मोतीलाल। मूर्ति का चश्मा कौन पहनाता था, कैप्टन। नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है, कैप्टन जो है वो चश्मे वाला है, ठीक है ना। और चश्मे वाले की देशभक्ति के प्रति नतमस्तक कौन था, हालदार साहब। हालदार साहब को ध्यान से देखने के बाद अपनी लाल काली बतीसी किसने दिखाई, पान वाले ने। तो ये क्वेश्चन जो ऐसे हैं ना बेटा, अगर आपको स्टोरी आती है तो आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको स्टोरीज पता होनी चाहिए हर चैप्टर की, विच इज़ बेस ऑफ योर लर्निंग। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा ना होना पान वाले के लिए कैसी बात थी, मज़ेदार बात थी। नेताजी की प्रतिमा किस वस्तु से बनी हुई थी, संगमरमर से। बाल गोविंद भगत किसकी रचना है, राम वृक्ष बेनीपुरी। अब बाल गोविंद, ठीक है ना, और भगत किसकी रचना है, राम वृक्ष बेनीपुरी की है, ठीक है ना। जो इनके राइटर हैं वो बेनीपुरी हैं। और इसके अलावा मैं अब ये भी याद कर सकते हैं, बाल गोविंद में गोभी आ रहा है, तो गोभी का आप याद कर सकते हो, वृक्ष है कोई, ठीक है ना। इस तरीके से आप याद कर लीजिए, गोभी का कोई वृक्ष है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी। जैसे नेताजी चश्मा कैसे पहनते हैं, स्वयं पहनते हैं, तो स्वयं प्रकाश। आगे, बाल गोविंद भगत कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, खंजड़ी इसका नाम है ये। बाल गोविंद भगत कैसे कद के व्यक्ति थे, मंझोले कद के, मतलब ज़्यादा हाइट नहीं थी। बाल गोविंद भगत ने तू जा नहीं तो मैं इस घर को छोड़ कर चल दूंगा, यह आखिरी दलील किसके साथ रखी, पत्तोहू के। बाल गोविंद भगत कबीरदास को क्या कहकर पुकारते थे, साहब। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब तक चलती थी, फागुन तक। बाल गोविंद भगत गंगा स्नान करने किस साधन से जाते थे, पैदल। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर बाल गोविंद भगत को किसने दुनियादारी से मुक्त कर दिया था, उनकी पुत्रवधू ने, मतलब बहू ने। बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है, जादू कहा है। बाल गोविंद भगत के बेटे का अंतिम संस्कार किसने किया, उनके पुत्र वधू ने। और बाल गोविंद भगत की मृत्यु किस कारण से हुई थी, बीमारी से। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की चिता को आग किससे दिलवाई थी, पतोहू से। और बाल गोविंद भगत को अपने घर से गंगा स्नान के लिए पैदल आने जाने में कितना समय लगता था, 4 से 5 दिन का। बाल गोविंद भगत के घर से गंगा लगभग कितनी कोस दूर थी, 30 कोस दूर थी, काफ़ी लंबा सफर था। देखो पैदल चलते थे पहले के लोग। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना की चरम उत्कर्ष किस दिन देखने को मिला, बेटे की मृत्यु पर। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को खिड़की के बाहर क्यों फेंक दिया, रईसों का अंदाज दिखाने के लिए, मतलब वो थोड़ा सा एटीट्यूड शो कर रहा होता है ना, तो इसलिए वो बाहर फेंक देता है। तो इस तरीके से अभी पूरी पूरी स्टोरी आप लोगों को बताने लगूंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए स्टोरीज सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए एग्जाम तक। आप लोगों को सारी स्टोरीज पता होनी चाहिए, ठीक है, याद करिएगा, पढ़िएगा, रीडिंग करिएगा। नवाब साहब ने सीट के नीचे से क्या उठाया, लोटा। नवाब साहब ने से जुड़ा खीरे का प्रसंग किस रेलवे स्टेशन का है, लखनऊ रेलवे स्टेशन का है। नवाब से लखनऊ याद रखिएगा, ठीक है ना, लखनऊ में नवाबी ज़्यादा होती है। लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने किस वर्ग पर व्यंग्य किया है, पतनशील सामंती वर्ग पर। खीरा काट रहे नवाब साहब को लेखक ने कैसे देखा, कनखियों। और रेलगाड़ी में बर्थ पर बैठे नवाब साहब ने अपने सामने कितने ताजे खीरे रखे हुए थे, 2। खीरे की फांकों को खिड़की से बाहर फेंक कर नवाब साहब ने तौलिए से क्या किया, हाथ और होंठ पोछे। नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पुरुष पालथी मारे बैठे थे, यहाँ सफ़ेद पोश का अर्थ क्या है, भद्र पुरुष।
उसके बाद में खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। यहाँ पनियाती शब्द का क्या अर्थ है? रसीली, मतलब टेस्टी। ठीक है, जैसे कोई आपकी टेस्टी चीज़ है, जैसे पिज्ज़ा लोगों को पसंद है, ठीक है, आपके सामने अगर पिज्ज़ा कोई खा रहा होगा तो आपको उसको देख के मुंह में पानी आ जाएगा कि यार हमें क्यों नहीं दे रहे, है ना, तो उसी चीज़ को बोलते हैं। नवाब साहब खाने की कौन सी वस्तु तौलिए पर रख के बैठे थे? खीरा। नवाब साहब ने अपनी जेब से क्या निकाला? चाकू। फादर कामिले बुल्के ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई किस वर्ष छोड़ दी थी? अंतिम वर्ष, मतलब लास्ट ईयर में छोड़ दिया था। फादर कामिले बुल्के कहाँ के रहने वाले थे? बेल्जियम के। फादर कामिले बुल्के की जन्मभूमि कौन सी है? रैम्स चापल। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया है? संस्मरण में। फादर कामिले बुल्के की मृत्यु कैसे हुई? जहरबाद से। जहरबाद शायद जहर खाने से हुई होगी। ठीक है, फादर बुल्के की मृत्यु कब हुई थी? 1982। उसके बाद में आप यहाँ से याद रख सकते हैं, फादर लोग जो होते हैं ना, उनका बर्थ जो है 80, 81, 82, 84, 85, आप लोगों के फादर का जन्म भी इसी टाइम के आसपास ही हुआ होगा, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं मेरे फादर जो है वो 82 का बर्थ है। ठीक है, तो 1982। फादर बुल्के भारत में कितने वर्ष रहे? 47 वर्ष रहे। अब यहाँ से आप याद रख सकते हैं, देखिए फादर जो हैं उनकी मृत्यु जो है वो 82 में हुई है, तो आप फादर की एज से कर सकते हैं कि फादर की जो एज है, उनका जो ईयर है वो 82 है, उनकी एज जो है वो 47 है। लेखक ने फादर कामिले बुल्के की तुलना किस वृक्ष से की है? देवदारू से। फादर कामिले बुल्के के मन में पढ़ाई के दौर में क्या बनाने की इच्छा हुई? सन्यासी। सन्यासी बनने की इच्छा हुई थी। लेखक ने मानवीय करणों की दिव्य चमक किसे कहा है? फादर कामिले बुल्के को, जिनके ऊपर चैप्टर है उन्हीं को कहा होगा। मनु भंडारी का परिवार अजमेर के कौन से मोहल्ले में रहता था? ब्रह्मपुरी। देख रहे हो सारे क्वेश्चन साइड में रिपीटेड हैं, 2017, 2018, 2020, 2013, 2017, 2014 सब में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको यही क्वेश्चन सारे याद करने हैं और बाहर कहीं जाना ही नहीं है। ठीक है, लेखिका के पिता का शब्दकोश था विषयवार। लेखिका मनु भंडारी के मन में कौन सी हीन भावना ग्रंथि बन गई थी? काले रंग का होना। मनु भंडारी को कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने क्या विषय पढ़ाती थी? हिंदी। मनु भंडारी से उसकी बहन सुशीला कितने वर्ष बड़ी थी? 2 वर्ष। किसकी जोशीली बातों ने मनु भंडारी के रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया? शीला अग्रवाल। त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किसने की थी? बौद्धों ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था सरस्वती। जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह किसकी भाषा थी? अपड़ो, अनपढ़ों की। यहाँ पर यही होगा, ठीक है ना। स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूट, यहाँ कालकूट का अर्थ क्या है? कालकूट का मतलब जहर। ठीक है, थेरी, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं बच्चे अर्थ वाले, ठीक है ना। थेरी गाथा निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का एक भाग है? त्रिपिटक। बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को किसने हराया था? गार्गी ने। रुक्मणी हरण की कथा श्रीमद् भागवत के कौन से स्कंद में है? दशम। बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है? प्राकृत में। हिंदू वेदों को किसकी रचना मानते हैं? ईश्वर की। अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ? डुमराव में। नरकट नामक घुस डुमराव गांव में किस नदी के पास पाई जाती है? घास। सोन नदी। शहनाई को बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रीढ़। प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान क्या कहलाता है? नौबत खाना। दक्षिण भारत के मंगला वाद्य का नाम है नागस्वरम। नौबत खाने में इबादत पाठ में वर्णित बालाजी मंदिर गंगा किस घाट पर स्थित है? पंचगंगा घाट। अमीरुद्दीन के कितने मामा देश के जाने माने शहनाई वादक हैं? 2। संस्कृत व्यक्ति को लेखक ने क्या कहा है? परोपकारी। सभ्यता को किसका परिणाम कहा गया है? संस्कृति का। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह क्या होकर रहेगी? असंस्कृति। कौन डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं ना खाकर दूसरों को खिला देता है? लेनिन। रूस का भाग्य विधाता किसे कहा गया है? लेनिन को। संसार के मजदूरों को सुख देने का स्वप्न किसने देखा है? मार्क्स ने। तो देखिए 80 अराउंड आपके क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को आपको घोल के पी जाना है। आपके 10 से 15 नंबर इन्हीं क्वेश्चन से बनेंगे बेटा, ठीक है ना। तो ये आपने अच्छे से पढ़ लेना है और ट्राई करना है कि इनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपको आता ना हो, ठीक है ना। और जब एग्ज़ाम टाइम होगा तो आप लोगों से रिवीजन स्टार्ट करूँगी मैं, और तब आप लोगों से लाइव क्लास लिया करूँगी और पूछूंगी, तो आप लोगों को अच्छे बच्चों की तरह स्टडी करनी है, कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं देना है, ठीक है। तो आई होप वीडियो काम की रही होगी। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।